हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू सब्जी की सादी सब्जी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूड़ी के साथ खाने वाली आलू की सब्जी हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसके लिए यहाँ पे हमने लिया प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, टमाटर और आलू उबाले हुए 250 ग्राम है जो कि। तो यहाँ पे हम तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बनाने के बाद हम सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पतीले में रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है, ऐड कर दिया मेथी आधा टेबल स्पून। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कलौंजी 2 से 3 चुटकी, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड करें, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे हमने कलौंजी ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 से 3 चुटकी हींग। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पिसा हुआ प्याज का पेस्ट, चला लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करके रखा है, मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट, तो हम उसको ऐड करेंगे। तब तक इसको चला लें। तो यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट, जिसको हमने दरदरा पीसा था। अब हम इन सभी चीज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसी तरह चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो यहाँ पे अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, काला हो जाएगा नहीं तो, इसलिए हमको अब इतने में ही मसाला ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून गरम मसाला। अब हम इनको पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए, मसाला हमारा पक गया। अब यहाँ पे हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था, उसको ऐड कर देंगे और जलाते हुए पकाएंगे। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। यहाँ पे बच्चों को भी खाना है इसलिए हम लाल मिर्च नहीं ऐड कर रहे हैं, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, फिलहाल हमने स्किप कर दिया, हमको नहीं पसंद है। तो अब हम इसको जला करके पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से पक गया। अब यहाँ पे हम ले लेंगे बॉयल पानी, उबला हुआ गर्म पानी, और उसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे 250 ग्राम जितना, और 250 ग्राम जितना पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसको ढक करके 5 से 7 मिनट तक एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब यहाँ पे जो हमने आलू रखे हैं उबाल करके, उनको मैश करके इसमें ऐड कर देंगे। मैश करते हुए सारे आलू यहाँ पे हमको ऐड कर देना है। सारे आलू हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम 5 से 7 मिनट तक इसको ढक करके पकाएंगे धीमी आंच पर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब्जी हमारी पक करके तैयार है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ फ्रेंड्स, बने रहने मेरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।